गुड मॉर्निंग बच्चों, कल जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था रिवीजन के लिए वो है वस्त्र तथा परिधान के लिए डिज़ाइन। ठीक है, कल हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। डिज़ाइन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उदाहरण करे थे इसके। आज हम करेंगे डिज़ाइन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, डिज़ाइन के तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो बनेगा डिज़ाइन के मुख्य तत्वों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिज़ाइन के चार तत्व होते हैं। फर्स्ट है रंग, सेकंड बनावट, थर्ड रेखा और फोर्थ है आकृति या रूप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डिज़ाइन के चार तत्व हैं रंग, बनावट, रेखा और आकृति। ठीक है, अब फर्स्ट जो एलिमेंट दिया गया है डिज़ाइन का वो है रंग। ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा जब हम कहीं जाते हैं या तो सबसे पहले परिधान ही खरीदने जाते हैं या हम किसी शादी या फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो क्या है, सबसे पहले हमारा ध्यान कलर की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, रंग क्या है, सबसे पहला हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, रंगों से ही वस्त्र क्या है सुंदर दिखाई देता है। यदि और यह रंग क्या है, व्यक्तियों के आकार, प्रकार और संवेगों को भी प्रभावित करता है, उनकी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। रंग क्या है, मन को शांति, आनंद या उदासी भी प्रदान करता है। रंग उल्लास में भी होते हैं, रंगों में घबराहट भी महसूस होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम अवसर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उचित रंगों का चयन करते हैं तो क्या हमारी हमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और यदि हम उसके अकॉर्डिंग चयन नहीं करते तो क्या है, हम उपहास का भी पात्र या हंसी का भी पात्र बन सकते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा होगा हम मौसम के अकॉर्डिंग भी रंगों का चयन करते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम ठंडे रंग पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म रंग। ठीक है, अब यहाँ पर गर्म तथा ठंडे रंग कौन से हैं। गर्म रंग होते हैं लाल, पीला, जो चमकीले कलर हैं, लाल, पीला, संतरी, तो ऐसे जो कलर होते हैं वो कहलाते हैं गर्म रंग। तो गर्म रंग क्या करते हैं, प्रसन्नता व उत्तेजना का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, और जो ठंडे रंग होते हैं उनसे ठंडक, शांति और कभी कभी उदासीनता का भी पता चलता है। तो ठंडे रंग कौन से होते हैं, नीला, हरा, बैंगनी क्या कहलाते हैं, ठंडे रंग कहलाते हैं, या ऐसे कलर जिसमें नीला नीले की प्रधानता है या हरे की प्रधानता है या बैंगनी रंग की प्रधानता है, तो वो कलर क्या है, ठंडे रंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किसी पोशाक के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करेंगे, किसी पोशाक के लिए रंग का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखेंगे, एक तो एज का ध्यान रखेंगे, आयु का ध्यान रखेंगे, किसके लिए वो परिधान खरीदा जा रहा है। ठीक है, सेकंड अवसर का ध्यान रखेंगे, किस अवसर के लिए वो खरीदा जा रहा है, शादी के लिए खरीदा जा रहा है या कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, या फिर कहीं हम घूमने जा रहे हैं उसके लिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिनके लिए हम ड्रेसेस खरीदते हैं, तो उस अवसर का ध्यान रखेंगे। थर्ड ध्यान रखेंगे मौसम का। ठीक है, किस मौसम के लिए खरीदा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, कलर का चयन करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर गर्म और ठंडे रंग बताए थे। ठंडे रंग जो होते हैं वो ठंडक प्रदान करते हैं, गर्म रंग जो होते हैं वो गर्मी और उत्तेजना और प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम कलर का चयन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था, किसी पोशाक के लिए रंग का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे, आयु का ध्यान रखेंगे, अवसर का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और मौसम का ध्यान रखेंगे। इसी में एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, रंग व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो जो हल्के रंग होते हैं, जो ठंडे रंग होते हैं वो क्या है, आकार को बड़ी आसानी से प्रभावित करते हैं। गर्म रंग जो होते हैं वो व्यक्ति के आकार को बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, गर्म रंग क्या है, व्यक्ति के आकार को बड़ा दिखाते हैं, और जो ठंडे रंग हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति के आकार को
नॉर्मल दिखाते हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, रंग व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो हमें इसका आंसर लिखना है, रंग क्या है, आकार को बड़ी आसानी से प्रभावित करते हैं। गर्म रंग जैसे लाल, नारंगी, पीला क्या है, व्यक्ति के आकार को बड़ा दिखाते हैं। इसलिए मोटी वे बेडोल शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति को गर्म रंगों का चयन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का कौन से रंग का चयन करना चाहिए, जो ठंडे रंग हैं, ठीक है, उनका चयन करना चाहिए, स्पेशली गर्मी के मौसम में। साथ साथ क्या है, रंग जो शांति, आनंद, उदासी का भी प्रतीक होते हैं, उल्लास में भी होते हैं, उनमें घबराहट भी महसूस होती है, आत्मविश्वास की भावना भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, रंगों का चयन किसी भी परिधान के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसमें, वो करेंगे रंगों की विशेषताएं, ह्यू, ठीक है। रंगों की यहाँ तीन विशेषताएं दी गई हैं। फर्स्ट आता है ह्यू। किसी भी रंग के नाम को क्या कहा जाता है, ह्यू कहा जाता है। जैसे को किसी भी कलर का नाम है, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, जो भी नाम है कलर का, वो उसे हम क्या कहेंगे, ह्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, रंगों की विशेषताओं में, इसमें हम कहेंगे रंगों के नाम को क्या कहा जाता है, तो हाँ यहाँ इसका आंसर होगा ह्यू, ठीक है। ये एक नंबर के या फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रंगों के नाम को क्या कहा जाता है, ह्यू कहेंगे, मूल्य कहेंगे, तीव्रता कहेंगे, या इनमें से शेड कहेंगे। तो क्या होगा, रंगों के नाम को क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। कोई भी नाम है, हरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, जितने भी कलर के नाम हैं उन्हें हम कहेंगे ह्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मूल्य। मूल्य क्या होता है, रंगों के हल्केपन व गाढ़ेपन को क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। रंगों के हल्केपन व गाढ़ेपन को हम क्या कहेंगे, मूल्य कहते हैं। जब किसी रंग में हम वाइट कलर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, लाइट कलर बन जाता है, उसे हम कहते हैं टिंट कहते हैं, ठीक है। और जब हम उसमें क्या है, उस कलर को हम डार्क करते हैं, उसमें ब्लैक मिलाते हैं, तो उसे कहते हैं हम शेड, ठीक है। लाइट करेंगे, वाइट कलर मिलाएंगे, तो वो कहलाएगा टिंट, ठीक है। और अगर हम उसे डार्क करेंगे तो वो कहलाएगा शेड, ठीक है। टिंट को हिंदी में कहते हैं हम आभा, और शेड को हिंदी में कहा जाता है रंगत, ठीक है, आभा और रंगत। तो यहाँ पर रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है। यदि हम उसमें वाइट कलर मिला के उसे लाइट कलर बनाते हैं तो वो कहलाएगा टिंट या आभा, और अगर उसमें ब्लैक कलर मिलाकर उसे डार्क करते हैं तो वो कहलाएगा शेड या रंगत। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो है, रंगों में मूल्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है। रंगों में मूल्य से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आप मूल्य के बारे में लिख देंगे, रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को मूल्य कहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें कि टिंट किस प्रकार बनाया जा सकता है और शेड किस प्रकार क्रिएट किया जा सकता है, तो आपको पता है अगर हम सफ़ेद मिलाएंगे तो टिंट बनेगा, अगर हम उसमें ब्लैक मिलाते जाएंगे तो उसे हम कहेंगे शेड। नेक्स्ट आएंगे इसमें तीव्रता पर, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, रंगों की चमक, ठीक है। आपने देखा हो कुछ रंग क्या है कितने ब्राइट होते हैं और कुछ रंग क्या है उनकी ब्राइटनेस कम होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, उनकी उसकी रंगों की तीव्रता कहलाती है, वो रंगों की चमक या मंदता को तीव्रता कहते हैं, ठीक है। रंग की तीव्रता को कम करने का सबसे अच्छा उपाय, ठीक है, कोई ब्राइट कलर है, ठीक है, अगर हम उसे उसकी तीव्रता, उसकी ब्राइटनेस कम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है, उसका अपोजिट कलर, ठीक है। अपोजिट कलर मतलब जो भी आप जो कलर की कलर साइकिल जो आपने देखी होगी, ठीक है, कलर साइकिल जो होती है, कलर व्हील जो होता है, ठीक है, उस कलर व्हील में, अभी आपको बताया जाएगा कलर व्हील कैसा होता है, ठीक है, उसमें उस कलर व्हील में जो उसका अपोजिट कलर है, अगर हम उसे मिला दें तो उस कलर की क्या है, ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले बनेगा तीव्रता होती क्या है, और एक क्वेश्चन इसमें बनेगा रंगों की तीव्रता कम करने के लिए कोई एक उपाय सुझाइए। तो क्या है, कैसे कम करेंगे तीव्रता, तो उसका जो पूरक कलर है, जो उसका अपोजिट कलर है, विपरीत कलर जो है, वो हम उसमें मिला देंगे,
तो क्या होगा, उससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, अब आता है रंगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, मुनसेल रंग चक्र कहलाता है। जो भी वर्गीकरण किया गया वो कहलाएगा मुनसेल रंग चक्र कहलाता है वो। ठीक है, यहाँ पर तीन भागों में इसे बांटा गया है, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग। ये आप बहुत पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, ऐसे कलर जो किसी रंग के मिलाने से नहीं बनते, जैसे पीला, लाल, नीला। सिर्फ ये तीन कलर कौन से कलर हैं, प्राथमिक कलर हैं, पीला, लाल, नीला। पीला, लाल, नीला कौन से कलर हैं, प्राथमिक कलर हैं, और ये चक्र में तीनों कोनों पर उपस्थित रहते हैं। ये आप चक्र देख रहे हो, ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्राथमिक कलर एक ये है, एक प्राथमिक कलर ये है, और एक प्राथमिक कलर अभी, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे एक प्राथमिक कलर ये रहा, एक प्राथमिक कलर ये है, एक प्राथमिक कलर, यानी ये ट्रायंगल बना हुआ है और तीनों कोनों पर क्या है, प्राथमिक कलर है। अगर हम इधर लाल माने, ठीक है, इधर पीला है और इधर क्या है, नीला, तो ये तीन क्या है, प्राथमिक कलर हैं। ठीक है, सेकेंडरी कलर कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, जब क्या है, जब हम प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिला देते हैं। ठीक है, आपस में मिला देते हैं दो प्राथमिक कलर को, तीनों को नहीं, दो प्राथमिक कलर को आपस में समान मात्रा में मिला देते हैं, तो कौन सा कलर प्राप्त होता है, द्वितीयक कलर प्राप्त होता है। जैसे हमने लाल और पीला मिला दिया, ठीक है, लाल और नीला मिला दिया, पीला और नीला मिला दिया, तो इनसे मिलकर कितने कलर बनेंगे, तीन कलर बनेंगे, जैसे संतरी, बैंगनी और हरा। ठीक है, द्वितीयक प्राथमिक कलर तीन है, द्वितीयक कलर भी तीन है, संतरी, बैंगनी, हरा। ठीक है, प्राथमिक कलर है लाल, नीला, पीला, जो किसी कलर के मिलाने से नहीं बनते तो वो कहलाएंगे प्राथमिक, और जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, नेक्स्ट तृतीयक रंग कौन से होते हैं, यह रंग क्या है, जो कलर चक्र है, कलर व्हील है, उसके जो आसपास के रंग हैं। ठीक है, हमने प्राथमिक कलर पढ़ा था ये, ठीक है, प्राथमिक कलर तीन है, ठीक है, उसके बाद हमने इन तीनों कलरों को मिलाया तो ये द्वितीयक कलर बने। ठीक है, अब क्या है, जब हम क्या है आसपास के ये दो दो कलर मिलाते जाएंगे तो ये कौन से कलर फॉर्मेशन होगा, कौन से कलर बनेंगे, तृतीयक कलर होंगे। ये छह प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पीला और हरा मिलाएंगे तो बनेगा पीला हरा, नीला हरा मिलाएंगे तो नीला हरा, तो उनको मिलाने के बाद जो कलर बनेगा वो हमारा कहलाएगा तृतीयक कलर। इसके साथ साथ कुछ कलर ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अवर्णक रंग, जो बिना रंग के रंग, इन्हें बिना रंग के रंग भी कहा जाता है, अवर्णक रंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन से रंग है, उदासीन रंग भी होते हैं ये, जैसे सफ़ेद, काला, रजत कॉपर कलर जो होता है, धातु का कलर जो होता है, मिट्टी का कलर जो होता है, धूसर, तो ये कलर कौन से कहलाते हैं, उदासीन रंग कहलाते हैं, अवर्णक भी कहते हैं इन्हें, और बिना रंग के रंग भी कहलाते हैं। बच्चों देखेंगे इसमें जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो बनेगा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक रंगों के नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिखने के लिए भी आ सकता है, या प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, तृतीयक रंग कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा प्राथमिक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है, तृतीयक, तो आप कलर के बारे में जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर प्राथमिक रंग के नाम लिखेंगे लाल, पीला, लाल, नीला। ठीक है, द्वितीयक रंग होगा संतरी, हरा, बैंगनी, और तृतीयक रंग होंगे हमारे हम अगर कभी हमें याद नहीं रहता है तो हम ये ना कलर व्हील बना लेंगे। ठीक है, कलर व्हील बनाना बहुत ही आसान है। पहले हम प्राथमिक रंग लिखेंगे इधर इधर इधर, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर इनको मिलाकर ऐसे मिला के ये हमारे द्वितीयक कलर कहलाएंगे, सेकेंडरी कलर बन जाएंगे। फिर क्या है, इन्हें भी आपस में मिला देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्शरी कलर कहलाएंगे। तो कलर व्हील बना लेंगे तो आपको ना ये प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर कौन से और तृतीयक रंग कौन से है ये भी याद रहेगा, और आप नाम आसानी से लिख पाओगे।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, वस्त्रों में रंग। ठीक है, वस्त्रों में रंग कब डाला जाता है? ठीक है, अब वस्त्र उत्पादन के दौरान कई सारे चरण आते हैं जिस हम क्या करते हैं, रंगों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आता है रेशों के निर्माण के दौरान। ठीक है, जब रेशा बनाया जा रहा है तब क्या है, हम उसे कलर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आपको पता है रेशा बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, वो प्रक्रिया ज़्यादा महंगी होती है और बहुत ही कम ऐसी ऐसी वस्त्र रेशों के निर्माण के दौरान रंगाई की प्रक्रिया जो है बहुत कम अपनाई जाती है, क्योंकि क्या है, ये महंगी होती है। फिर भी कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिनके लिए इन्हें प्रयोग इस प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, या जिन्हें क्या है, बाद में नहीं रंगा जा सकता तो उनके रेशों पर ही कलर कर लिया जाता है। धागे के निर्माण के दौरान, ठीक है, जब धागा बनाया जाता है तब क्या है, उस धागे पर क्या है, उस धागे को कलर कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, बुनी हुई धारीदार पट्टियाँ पड़ी होती हैं किसी कपड़े में, चौकदार कपड़ा होता है, ठीक है, चौकोर चौकोर खाने बने होते हैं, तो ऐसे जो डिज़ाइन है वो किससे बनाए जाते हैं, धागे के निर्माण के दौरान जब धागा बनाया जा रहा है तभी उन्हें कलर कर लिया जाता है और उसके बाद क्या है, उससे वस्त्र बनाया जाता है। तो जिस जिस धागे का यूज जैसे किया जाएगा, जो पैटर्न बनाया जाएगा, तो कपड़े में वही डिज़ाइन आ जाता है। वस्त्र के निर्माण के दौरान, ठीक है, जब हमारा वस्त्र बन जाता है तो उस पर क्या है, डाई कर ली जाती है। वाइट कलर बन के तैयार कपड़ा बन के तैयार होता है, उस पर क्या है, फिर लाल नीला पीला जैसा भी करना चाहते हैं वो कलर कर लिया जाता है। फिर क्या है, वस्त्र निर्माण के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, हम ऊपर से उस पर छपाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की उस पर चित्रकारी की जाती है, गोटा पट्टे लगाई जाती है अलग कलर की, तो ये क्या है, इस के थ्रू भी हम उसमें कपड़े में कलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, ठीक है, एप्लीकेबल क्वेश्चन में यहाँ बताऊंगी, शीला एक वस्त्र उत्पादन कंपनी में काम करती है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो आ जाएगा कि आप वस्त्र उत्पादन के दौरान किस प्रकार रंगों का प्रयोग करोगे। ठीक है, वस्त्र उत्पादन के दौरान किस प्रकार रंगों का प्रयोग किया जाएगा या करोगे। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शीला एक वस्त्र उत्पादन कंपनी में काम करती है, वह किस प्रकार वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में रंगों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार कर सकती है, रेशों के निर्माण के दौरान कर सकती है, धागे के निर्माण के दौरान, वस्त्र के निर्माण के दौरान और वस्त्र निर्माण के बाद भी, उसके ऊपर छपाई करके, रंगाई करके, चित्रकारी करके, पैच वर्क करके, गोटा पट्टी लगा कर भी उसमें कलर डाला जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है फिर कलर के बारे में आता है, रंग योजनाएं। ठीक है, कलर स्कीम्स जो हैं, ठीक है, कलर स्कीम्स जो हैं वो बेसिकली यह बताती हैं कि हमें कौन सा रंग प्राप्त करने के लिए किन रंगों को मिक्स करना है। ठीक है, ये यही क्या कहलाती है, हमारी कलर स्कीम कहलाती है। ठीक है, कोई भी रंग योजना मात्र यह सुझाती है कि किसी विशेष रंग को प्राप्त करने के लिए किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यह बनेगा, रंग योजना क्या है। ठीक है, रंग योजना क्या है, इसका आंसर आप लिखेंगे, रंग योजना मात्र यह बताती है कि किसी विशेष रंग को प्राप्त करने के लिए हम किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, वो कहलाती है हमारी रंग योजना। और इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप देखेंगे रंग योजनाओं को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, एक है संबंधित योजनाएं और एक है विषम योजनाएं। ठीक है, रंग योजना क्या है उसके बारे में लिख देंगे, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे दो भागों में बांटा गया है, संबंधित योजनाएं और विषम योजनाएं।